हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पर्पल क्रिएशंस। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पर्पल क्रिएशंस। आज इस वीडियो में मैं एक लेडीज बूटीज लेके आई हूँ। ये देखिए, इसे मैंने दो कलर में बनाया है और 11 नंबर की नीडल से बुना है और 4 प्लाई की वूल यूज़ की है। तो अपर पार्ट मैंने अलग बनाया है और इसका जो सोल का है ये अलग बना है। यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, यहीं से इसको अटैच करते हुए ये जो पैटर्न मैंने ऊपर डाला है वही मैंने नीचे डाला है और यहाँ तक सोल का पैटर्न है। ये सोल यहाँ तक बनेगा, पैटर्न यहीं तक है। उसके बाद ये हील वाला पोर्शन है, ये बाद में बनेगा। तो मैंने यहाँ से 4 प्लाई की वूल यूज़ किया, यहाँ से स्टार्ट किया ये मैंने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 12 फंदे डाले हैं, जो नोज़ वाला इसका पोर्शन है वो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इस तरीके से ग्रीन कलर से मैं पहले इसके नोज़ वाला पोर्शन बनाती हूँ। तो इस रो को मैं पहले उल्टा बुन लेती हूँ। ये 12 फंदे मैंने बुन लिए। ये इसकी रॉन्ग साइड है और हम राइट साइड से अब इनमें दोनों तरफ से फंदे बढ़ाऊंगी। देखिए इस तरीके से, फर्स्ट फंदा मैं स्किप करती हूँ उसको, और एक फंदा बुनने के बाद इसको मैं इस तरीके से एक फंदा बढ़ाऊंगी। सीधी तरफ से ही फंदे बढ़ेंगे और ये राइट साइड है। अब ये लास्ट में 2 फंदे जब रह जाते हैं इस तरफ के, तो हम एक फंदा इधर भी बढ़ा देते हैं। तो अब हमारा राइट साइड से दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ गया है। इन्हें मैं दोनों फंदों को बुन लेती हूँ। देखिए, ये देखिए इस तरीके से। अब रॉन्ग साइड से सारे फंदे उल्टे बुन लेती हूँ। रॉन्ग साइड से कोई फंदा नहीं बढ़ेगा। अब ये देखिए, ये रो कंप्लीट हो गई। अब मैं राइट साइड पे आ गई हूँ। राइट साइड पे फिर दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाना है। तो देखिए किस तरीके से ऐसे ही बढ़ेगा। 2 फंदे मैं बुन लेती हूँ, एक तो मैं बगैर बुना उतार लूँगी, एक बुन लूँगी, उसके बाद फिर मैं एक फंदा यहाँ से बढ़ा दूँगी और फिर बाकी फंदे मैं बुन लेती हूँ जब तक लास्ट के 2 रह जाते हैं। अब ये देखिए लास्ट के 2 फंदे रह गए, तो मैं यहाँ भी एक फंदा बढ़ा देती हूँ। तो इस तरीके से राइट साइड से दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ गया। रॉन्ग साइड से पूरे फंदे उल्टे ही बुने जाएंगे इस तरीके से। रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई। अब फिर देखो, मैं राइट साइड पे आ गई तो फिर एक फंदा बढ़ा दूँगी, एक इस तरफ से बढ़ाऊँगी और एक उधर से। एक 2 बुन लिए, इसके बाद एक फंदा बढ़ा दिया और इसी तरह लास्ट के जब 2 रह जाते हैं तो एक फंदा उधर बढ़ा दूँगी। ये हमें तब तक बढ़ाने हैं जब तक टोटल 28 फंदे ना हो जाएँ। 28 फंदे जब हमारे हो जाते हैं दोनों तरफ से बढ़ाते हुए, तो हमें फिर हमें ये बढ़ाना रोक देना है। देखिए इस तरीके से इधर भी मैं बढ़ा देती हूँ। अब ये देखिए, रॉन्ग साइड से मैं बुन लूँगी, पूरे बुन लूँगी उल्टे। अब हमारे ये देखिए इस तरीके से दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ गया और हमें ये 28 फंदे तक बढ़ाने हैं।
उसके बाद फंदे, कोई फंदा नहीं बढ़ेगा, उसके बाद ये मॉडल बनेगा। तो मैं 28 फंदे तक, जब तक फंदे आ जाते हैं मैं बढ़ा के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, इसका नोज़ वाला पोर्शन हो गया कंप्लीट। ये मैंने 28 फंदे बना लिए हैं दोनों तरफ से एक बढ़ाते हुए। अब ये 28 फंदे हो गए। अब मैं फंदे नहीं बढ़ाऊँगी। अब इसके बाद ये वाला जो पैटर्न है, ये जो मॉडल ये बनेगा। तो देखिए, इसका ये मॉडल बना रही हूँ। तो पहले मैं ना पिंक कलर से बनाती हूँ, पहले पिंक कलर से चार फंदे बुनती हूँ। तो पहले मैं इसको इससे ऐसे, दो तीन और ये चार, इसको इसके साथ मैं अच्छी तरह टाई कर दूँगी ताकि ये लूज़ ना हो। अब ये देखिए, चार फंदे मैंने पिंक कलर के बनाए, चार फंदे मैं ग्रीन कलर के बनाऊंगी। देखिए, एक तीन चार, फिर चार कलर, चार फंदे मैं पिंक कलर से बनाऊंगी। फिर ग्रीन कलर से चार फंदे और फिर पिंक कलर से चार फंदे। इसके बाद फिर ग्रीन से और इसके बाद फिर ये लास्ट वाले चार पिंक कलर से चार। ये देखिए, फर्स्ट रो इसकी बन गई है। अब हम रॉन्ग साइड से बनाएंगे। रॉन्ग साइड से ये देखिए, पहला फंदा हम ग्रीन बनाएंगे, पहला फंदा ग्रीन बनाया, फिर तीन फंदे हम पिंक कलर के बनाएंगे, दो तीन, उसके बाद फिर तीन फंदे हम ग्रीन कलर से बनाएंगे, एक दो तीन, एक पिंक से बनाएंगे और फिर एक ग्रीन से। ये देखिए, फिर तीन फंदे हम पिंक से, एक दो तीन, फिर तीन फंदे ग्रीन से एक फंदा पिंक और एक फंदा ग्रीन। फिर उसके बाद अब ये देखिए, तीन पिंक कलर के, एक दो तीन और फिर तीन ग्रीन कलर, एक दो तीन, एक पिंक और एक ग्रीन और फिर तीन पिंक, एक दो तीन। ये देखिए, सेकेंड रो कंप्लीट हो गई। अब राइट साइड से अब ये देखिए, ये दो पिंक, फिर दो ग्रीन दो पिंक दो ग्रीन फिर दो ग्रीन ओ दो पिंक सॉरी दो पिंक दो ग्रीन दो पिंक फिर दो ग्रीन दो पिंक फिर दो ग्रीन
एक, दो, फिर दो पिंक, फिर दो ग्रीन, दो पिंक, दो ग्रीन, ये देखिए इस तरीके से ये बढ़ता जाता है। अब ये देखिए, अब यहाँ से मैं तीन तो ग्रीन बनाऊंगी रॉन्ग साइड से, एक, दो, तीन, तीन के बाद एक पिंक, एक ग्रीन, एक, दो, तीन, इस तरीके से बनती जाती है। एक, दो, तीन, ये देखिए एक पिंक, तीन ग्रीन, एक, दो, तीन, ये देखिए इस तरीके से। एक पिंक और तीन ग्रीन, एक, दो, तीन, एक पिंक, ये देखिए इस तरीके से ये बनता जाएगा। आगे दिखा रही हूँ मैं आपको, तीन ग्रीन, एक पिंक, फिर थोड़ा, अब ये देखिए यहाँ पर तीन पिंक हो जाएंगे, एक, दो, तीन, फिर यहाँ पर तीन ग्रीन हो जाएंगे, एक, दो, तीन, एक पिंक और एक ग्रीन, इस तरीके से यहाँ से देखते जाते हैं हम। देखिए अब तीन पिंक होंगे, एक, दो, तीन, और तीन ग्रीन हो जाएंगे इधर, एक, दो, तीन, एक पिंक हो जाएगा लास्ट का। अब इसके बाद नेक्स्ट रो जो हम, ये देखिए इस तरीके से बनता जाता है। अब हम ये देखिए यहाँ पर चार ग्रीन कर देंगे, इधर चार पिंक, इधर चार ग्रीन, ये चार चार फिर हो जाएंगे जो हम स्टार्टिंग में कर रहा था, अब वही हो जाएंगे, ये चार चार फंदे हो जाएंगे। अब ये चार ग्रीन हो जाएंगे, देखिए इस तरीके से, चार चार ग्रीन, ये पिंक हो जाएंगे, एक, दो, तीन, चार, इसके बाद चार ये ग्रीन हो जाएंगे, एक, दो, तीन, और ये चार, फिर चार पिंक, एक, दो, तीन, और ये चार, इसके बाद चार ग्रीन, एक, दो, तीन, और चार, फिर पिंक, एक, दो, तीन, और ये चार, फिर ये ग्रीन हो जाएंगे चार, ये एक, दो, तीन, और ये चार, देखिए ये देखिए इस तरीके से ये पैटर्न आगे बढ़ता जाता है। एक बार मैं और बताती हूँ इसको, ये देखिए अब रॉन्ग साइड से हम बनाएंगे इसको, देखिए इस तरीके से, अब हम एक फंदा पहले पिंक बनाएंगे,
पिंक बनाया, फिर तीन ग्रीन, एक दो तीन, इस तरीके से ये देखिए। अब तीन फंदे हम पिंक बनाएंगे, एक दो तीन, एक ग्रीन बनाएंगे और एक पिंक, इस तरीके से ये देखिए, ऐसे ये बनता जाएगा। अब इसके बाद तीन फंदे हम ग्रीन के बना लेंगे, एक दो तीन, तीन फंदे पिंक के, एक दो तीन, ये एक ग्रीन और एक ये पिंक, फिर तीन फंदे ग्रीन, एक दो तीन, फिर तीन पिंक, एक दो तीन, फिर एक ग्रीन और एक पिंक, फिर ये तीन फंदे हम ग्रीन के बना लेंगे, एक दो ये तीन। ये देखिए इस तरीके से, अब ये देखिए दो फंदे ग्रीन, एक दो, दो फंदे पिंक, ये दो फंदे पिंक, एक और ये दो, फिर दो फंदे ग्रीन, दो फंदे ये देखिए ग्रीन के बनेंगे, एक और ये दो, फिर दो फंदे पिंक, एक दो, दो फंदे ग्रीन, एक दो, फिर दो फंदे पिंक, एक दो, दो ग्रीन, इस तरह ये पूरी रो कंप्लीट होएगी। ये देखिए इस तरीके से, अब ये देखिए तीन फंदे पिंक के बन जाएंगे, एक दो तीन, ये देखिए तीन फंदे पिंक के बन गए, एक ग्रीन और एक पिंक, देखिए अब तीन फंदे ये ग्रीन के बना लूँगी, एक दो तीन, ये देखिए इस तरीके से ये बनता जाता है। अब ये तीन फंदे पिंक बन जाएंगे, एक दो तीन, एक फंदा ग्रीन, एक फंदा पिंक, ये तीन फंदे ग्रीन, एक दो तीन, तीन फंदे पिंक, एक दो तीन, एक फंदा ग्रीन, एक फंदा पिंक, फिर तीन फंदे ग्रीन, एक दो तीन, फिर तीन फंदे ग्रीन और पिंक, एक दो तीन, एक फंदा ग्रीन, ये देखिए रो भी कंप्लीट हो गई। अब इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा, ये देखिए अब इसके बाद फिर ये चार चार फंदे हो जाएंगे, चार पिंक चार ग्रीन, चार पिंक चार ग्रीन,
एक बार मैं इसको और बता देती हूँ, ये देखिए अब ये फंदे, ये जो तीन है अब चार पिंक हो जाएंगे, एक दो तीन और ये चार, चार ग्रीन, एक दो तीन और ये चार, एक दो तीन और ये चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ये देखिए। अब इसी तरह से रिपीट पैटर्न बनेगा जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में बनाए थे, चार चार फंदे, इसी तरीके से आगे ऊपर रिपीट होता जाएगा। ये एक दो तीन, तीन लाइनें पिंक की हैं, एक दो तीन, तीन लाइनें ग्रीन की, ये वाला जो है पैटर्न, इसको लीफ भी कह सकते हैं। तो फिर इसके बाद ये मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये बिल्कुल इसी तरह अब रिपीट होगा जैसे यहाँ से ये बनाया था, चार फंदे, चार चार फंदे का हिसाब है। तो अब ये यहाँ से रिपीट पैटर्न बनता जाएगा, इसके बाद मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। ये पाँच नंबर के साइज़ के लिए मैंने बनाया। अगर आप इसको बड़ा बनाना चाहती हैं तो इसमें दो रो, दो लाइनें और बना लेना, क्योंकि थोड़ा बड़ा, जैसे छः नंबर और सात नंबर के लिए अगर साइज़ चाहिए, छः नंबर के लिए ये दो लाइनें ये इस तरीके से, और चार रो हो गई तो ये बढ़ा सकती हैं आप। अब इसी तरीके से ये वाला पोर्शन बनेगा, मैं एक बार बता देती हूँ। इस तरीके से इसको भी ऐसे करना है, पहले ये रो बिल्कुल सीधी बुन लेती हूँ मैं। अब रॉन्ग साइड से, रॉन्ग साइड से एक फंदा मैं सीधा बनाऊंगी और इसको भी मैं सीधा ही बनाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से ये लाइन बनती जाएगी और राइट साइड से सारे फंदे सीधे बुन लिए जाएंगे। पहला फंदा उतार के सारे फंदे सीधे, मैं इसको है ना ट्राई कर दूँ, थोड़ा ये लूज़ हो रहा है। राइट साइड से सारे फंदे सीधे बुने जाएंगे। अब ये पूरे फंदे सीधे बुने जाएंगे। अब ये देखिए रॉन्ग साइड से जो आगे की हम पट्टी बना रहे हैं वह उसके फंदे ही सीधे बुने जाएंगे रॉन्ग साइड से, बाकी जो फंदे हैं उल्टे बुने जाएंगे रॉन्ग साइड से।
तो अब ये देखिए, पहले हमने एक बुना था, अब इसके बाद दो बुने जाएंगे, एक दो, ये दो पट्टी के फंदे हैं जो सीधे बुने जाएंगे। और ये जो हमारा एज स्टिच है, इसे भी हम सीधा ही बुन लेते हैं रॉन्ग साइड से, इस तरीके से। ये देखिए लाइन बनती जाएगी, ये लाइन बन गई है। अब इसी तरीके से आगे ऐसे ही इन फंदों को घटाते बढ़ाते जाना है। एक जैसे यहाँ एक है, दो है, तीन है, चार, पाँच, छः, सात वाले फंद, सात फंदे तक, यहाँ तक हमें एक एक फंदा बढ़ाना है। फिर जब सात फंदे हो जाते हैं तो हमें सीधा ऐसे ही बुन लेना है। तो दोनों तरफ से ये ऐसे ही आ जाएगा। मैं इस ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसी तरीके से यहाँ भी एक एक फंदा बढ़ाते हुए सात फंदे तक लाना है। ये देखिए इसके ऊपर के दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। इसको मैंने सेफ्टी पिन में भिरो लिए फंदों को। अब इसके बाद मैं यहाँ से इसका ये नोज़ वाला पोर्शन बनाऊँगी। तो ये देखिए नोज़ वाला पोर्शन यहाँ से स्टार्ट करना है। ये बॉटम भी बनेगा साथ में इसका, और ये नोज़ वाले का बॉटम। अब ये देखिए जैसे मैंने यहाँ से 12 फंदे उठाए थे, 12 फंदे से स्टार्ट किया था, अब यहाँ भी मैं 12 ही फंदे उठाऊँगी। इस तरीके से ये मैंने धागा या एक्स्ट्रा छोड़ दिया था, इसीलिए इसको मैं टाई कर देती हूँ। और फिर इसको अब इसके साथ मैं 12 फंदे उठा लेती हूँ यहाँ से। ये देखिए ऐसे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह और ये 12। ये देखिए 12 फंदे यहाँ से उठा लिए मैंने। अब इसको मैं रॉन्ग साइड से बुन लेती हूँ। ये देखिए ऐसे, ये 12 फंदे बुनने के बाद अब ये रॉन्ग साइड से देखिए फंदे उठाना है, दोनों तरफ से फंदे उठाते हुए। ये वाला फंदा उठा लेती हूँ, ये वाला, इस तरीके से मैंने यहाँ से फंदा उठा लिया। अब मैं इन्हें सीधा बुन लेती हूँ। अब इसके बाद इस साइड से मैं फंदा उठाऊंगी। ये देखिए यहाँ उठाया, अब मैं ये वाला फंदा उठा लूँगी, ये वाला। इसी तरीके से हम ऐसे इधर से इस स्टिच में से फंदे उठाने हैं। अब मैं ऐसे बुन लेती हूँ। अब फिर इसी तरफ से एक फंदा उठा लेती मैं, ये वाला। दोनों तरफ से एक एक फंदा उठाते जाएंगे, और जब जब 28 फंदे हो जाएंगे तो हम फंदे उठाना रोक देंगे। जैसे कि हमने ऊपर बनाया 28 फंदों से ये मॉडल, उसी तरह बॉटम में भी मैं 28 फंदों से ही ये बनाऊंगी।
उसके बाद हमें आगे फंदे नहीं बढ़ाने, 28 फंदों से पूरा बॉटम बनाते हुए इनको बोल लेती हूँ मैं, दोनों तरफ से इसी तरह फंदे उठते जाएंगे। 28 फंदे हो जाएं तो उसके बाद फंदे उठाना बंद कर देंगे, 28 फंदे ही आगे तक हील तक 28 फंदे ही बनेंगे, 28 फंदे तक हील तक बनाना है 28 फंदों से। अब ये वाला फंदा उठा लेते हैं, ये वाला यहाँ से हम ये वाला फंदा उठा लेते हैं, ये वाला देखिए इस तरीके से दोनों तरफ से हम फंदे उठाते जाएंगे और यहाँ तक हमारे 28 फंदे आ जाएंगे। ये जो प्लेन बिल्कुल है नोज़ का हिस्सा, इसके बाद फिर हम ये वाला पैटर्न डालेंगे, 28 फंदों में ही ये पैटर्न फिर डलेगा और यहाँ तक ये 28 फंदे से ही 28 फंदे का ही आगे तक बढ़ता जाएगा, यहाँ तक फंदे उठाने हैं ये कोने तक, इधर तक, ये यहाँ तक हमें फंदे उठाते जाना है और उसके बाद ये जो है पोर्शन बनाएंगे तो इससे हील बनेगी, वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले आपको ये देखिए 28 फंदे तक कर लेती हूँ मैं, उसके बाद बताती हूँ। ये देखिए ये इतना पोर्शन ऊपर का, ये जो है ये जो हमने मॉडल बनाया है इसका पिंक कलर से और ग्रीन कलर से, ये कम्प्लीट हो गया। ये देखिए इतना बड़ा बनाना है ये, इस तरीके से ये देखें, एक दो तीन और फिर एक दो, इसको ऐसे काउंट करके इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो यहाँ तक ये बनना था, यहाँ तक मैंने ये कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद एक सिलाई, अब ग्रीन कलर से ये सारा जो पोर्शन है ये ग्रीन कलर से बनेगा। ये देखिए इधर तक मैं बनाती हूँ, ये दोनों जो इसके हैं पोर्शन, तो मैं ग्रीन कलर से बनाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से पहले मैंने एक ये सिंपल लाइन रॉन्ग साइड से मैं उल्टी बुन लेती हूँ इसको, फिर इसके बाद पार्टीशन होगा। ये देखिए अब हम इसके ये 28 फंदे हैं तो इसके आधे फंदे बुनेंगे एक तरफ इस तरीके से। ये वाला इसका ये वाला पोर्शन बुनूंगी मैं। अब यहाँ से देखिए पहले मैंने एक जो लाइनें बनाई हैं उसके 7 फंदे तक मैंने एक एक फंदा बढ़ा दिया है, एक एक फंदा बढ़ता हुआ 7 फंदे तक मैंने इसको बनाया। उसके बाद फिर 7 फंदे की, पूरे 7 फंदे की ये लाइनें बनाई हैं, तो मैं आपको बताती हूँ ये कैसे। ये देखिए अब मैं तेरह फंदे बुन के, ये हमारा 14वां फंदा है इस और इधर का 14वां फंदा है, इन्हें हम दोनों को ट्विस्ट कर लेते हैं इस तरीके से और इसको बुन लेते हैं। सीधी सिलाई से मैंने पूरे 14 फंदे सीधे ही बुने,
अब रॉन्ग साइड से पहला फंदा बगैर बुने उतार लेती हूँ मैं, और एक फंदा सीधा बुन लेती हूँ, और बाकी ये सारे फंदे उल्टे बुनूँगी। इस तरीके से फिर उसके बाद राइट साइड से ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 11, ये पूरी कंप्लीट हो गई। अब हम इसे टर्न कर लेते हैं, पहले फंदे को हम बगैर बुना उतारते हैं, और इसके बाद पहले इससे पिछली सिलाई में हम एक सीधा बुना था, अब दो सीधे, एक और ये दो, और बाकी फंदे उल्टे। राइट साइड से सारे फंदे सीधे बुने जाएंगे। इस तरीके से ये देखिए एक एक फंदे की लाइन, एक दूसरी लाइन बन गई। अब ये इधर से एक फंदा हमने स्लिप करके तीन फंदे अब सीधे बुने जाएंगे, एक दो और ये तीन, बाकी फंदे उल्टे। राइट साइड से सारे फंदे सीधे। इस तरीके से ये देखिए ये लाइन ऐसे बनती जाएगी। अब रॉन्ग साइड से, अब इसके बाद चार फंदे सीधे, एक दो तीन और ये चार, बाकी फंदे उल्टे। राइट साइड से सारे फंदे सीधे। देखिए लाइनें बनती नज़र आ रही हैं। अब इसके बाद रॉन्ग साइड से, अब हम पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच, बाकी फंदे उल्टे। अब ये देखिए रॉन्ग राइट साइड से सारे फंदे सीधे बुने जाएंगे। ये देखिए अब रॉन्ग साइड से हम छः फंदे, एक ये बुन उतार लिया, इसको हम काउंट कर लेते हैं, और एक दो तीन चार पाँच और छः, सात हो गए, ये तीन और चार सात। अब हमें ये सात फंदों की ही ये पट्टी बनानी है। अब हमें इधर फंदा इधर नहीं बढ़ाने, सात उल्टे और सात सीधे रॉन्ग साइड से, और राइट साइड से ये 14 फंदे पूरे सीधे बुने जाएंगे। एक बार और मैं बता देती हूँ,
राइट साइड से सारे फंदे सीधे, ये देखिए इस तरीके से ये आगे पट्टी बनती जाएगी। ये देखिए ये एक एक फंदा बढ़ गया, 7 फंदे तक हमें इसको आगे बढ़ाना नहीं है, इस तरीके से ये बनता जाएगा। देखिए ये जो पट्टी है यहाँ तक फंदे बढ़ गए, फिर 7 फंदे की ये लाइनें बनानी है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 लाइनें, 14 लाइनें बनानी है। 1, 2, 3, 4, 5 बन गई हैं और इसके बाद 9 लाइनें और मुझे बनानी है। तो मैं ये पूरा पोर्शन कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला। ये देखिए ये टोटल 28 फंदे हो गए हैं, ये नोज़ का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब ये वाला जो मैंने ये मॉडल बनाया है यही अब इधर बॉटम में डलेगा। देखिए इस तरीके से, यही इस तरीके से जितना बड़ा ऊपर डाला है उतना ही नीचे। ये तो मैं आपको बताती हूँ, एक बार बता देती हूँ। ये देखिए अब मैं अब ये इधर से इधर तक 28 फंदे ही चलेंगे, दोनों तरफ से एक एक उठाते हुए और यहाँ तक 28 फंदे ही चलेंगे। तो ये देखिए जैसे मैंने स्टार्टिंग करी थी पहले 4 फंदे, चार फंदे अब मैंने पिंक बना लिए, 4 फंदे ग्रीन। चार अब फिर 4 फंदे पिंक, 3, 4 फिर ग्रीन, 28 फंदे करने हैं। तो ये और साइड से उठाने भी हैं, तो पहले जो पहले लास्ट के 2 फंदे हैं उन्हें मैं 2 का 1 कर देती हूँ इस तरीके से। ये देखिए हमेशा जिस साइड में भी वो आएगी रो, लास्ट के 2 फंदे जो आते हैं एंड में, उसको 2 का 1 कर देंगे और उसी साइड से 1 फंदा उठा लेंगे। अब जैसे यहाँ मैंने 2 का 1 कर दिया, अब इधर से मैं 1 फंदा उठा लेती हूँ ये वाला। ये देखिए इस तरीके से ये पूरे फिर 28 हो जाते हैं। इस रॉन्ग साइड पर इधर आएंगे तो इधर के 2 फंदे 2 का 1 कर देंगे और 1 साइड से उठा लेंगे। तो टोटल 28 फंदों का ही ये आगे तक बढ़ता रहेगा। अब 1 फंदा ग्रीन का बनाएंगे इधर, ये देखिए 1 फंदा ग्रीन, 3 फंदे पिंक, जैसे वो मैंने उस अपर पार्ट में बनाया है वैसे ही बनेगा ये, 3 ग्रीन, 1 पिंक, 1 ग्रीन, फिर 3 पिंक, फिर 3 ग्रीन, फिर 1 पिंक, 1 ग्रीन, 3 पिंक, 3 ग्रीन,
एक पिंक, एक ग्रीन, ये तीन पिंक। अब एक फंदे को बुनने के बाद दो का एक कर दूंगी मैं, लास्ट के ये दो फंदे आ रहे हैं साइड के भी, दो का एक किया और एक फंदा मैं इसी साइड से उठा लूँगी पिंक कलर से, तो ये पूरे 28 होते जाते हैं ऐसे। अब देखिए इधर, दो पिंक, दो ग्रीन, दो पिंक, इस तरीके से ये रो बनेगी। ये देखिए दो पिंक है, उसके बाद ये लास्ट के दो फंदे रह जाते हैं, तो इन्हें मैं ग्रीन से बनाने हैं, तो ग्रीन के दो का एक बना देती हूँ और इसी तरफ से एक फंदा उठा लेती हूँ ऐसे, ग्रीन कलर से ही ये फंदा मैंने उठा लिया, तो ये चार टोटल 28 हो गए। देखिए इस तरह से रॉन्ग साइड से तीन फंदे ग्रीन, दो तीन, एक फंदा पिंक, एक फंदा ग्रीन और तीन फंदे पिंक, एक दो तीन, इस तरीके से आते जाएंगे ये, तीन फंदे ग्रीन, एक पिंक, एक ग्रीन, तीन फंदे पिंक, तीन फंदे ग्रीन, फिर एक पिंक, फिर एक ग्रीन और फिर तीन पिंक, एक दो और ये तीन, फिर एक ग्रीन, तीन ग्रीन, एक दो, अब इन दो का एक कर देते हैं इस तरीके से, तीन एक ग्रीन, एक पिंक फंदा मैं उठा लेती हूँ यहाँ से, तो इस तरीके से ये 28 फंदे चलते रहेंगे। अब ये फिर उसी तरीके से चार चार बन जाएंगे, चार ग्रीन, चार पिंक, चार ग्रीन, चार पिंक, ऐसे पूरी रो इसी तरह बनेगी। ये देखिए एक बार मैं इस रो को और बना देती हूँ, चार में चार फंदे ग्रीन के बुनूंगी, एक दो तीन और ये चार, फिर चार पिंक, एक चार,
चार ग्रीन, चार, फिर चार पिंक, चार ग्रीन, चार चार के मल्टीपल से बनाइए हर। ये देखिए जब लास्ट के दो फंदे रह गए तो उन्हें हम घटा देते हैं, दो का एक कर देते हैं और एक फंदा उसी साइड से उठा लेते हैं। ये देखिए इसी साइड से उठा लिया मैंने, ये इस तरीके से ये पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। इस पैटर्न को मैं यहाँ तक कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं यहाँ पूरा। अब इधर तक ये पैटर्न ही बनेगा, उसके बाद ये सिंपल बुने जाएंगे यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। एक बार और मैं दिखा देती हूँ आपको। अब एक लाइन पिंक, एक फंदा पिंक का बनेगा ये, एक तीन ग्रीन, एक दो तीन, तीन पिंक, एक दो तीन, एक ग्रीन और एक पिंक, फिर तीन फंदे ग्रीन, एक दो तीन, तीन फंदे पिंक, इस तरीके से एक दो तीन, फिर एक फंदा ग्रीन, एक फंदा पिंक, तीन फंदे ग्रीन के, एक दो तीन, फिर तीन फंदे पिंक के, एक दो तीन, एक ग्रीन, एक पिंक, तीन फंदे ग्रीन के, एक एक फंदा बुनने के बाद फिर ये दो फंदों का मैं एक कर दूँगी और एक फंदा फिर यहीं से मैं उठा लूँगी इस साइड से। ये देखिए ये ऐसे उठा लिया, ग्रीन से उठाना है इस तरीके से। अब ये देखिए थोड़ा सा गैप आ रहा है, इसे बाद में ठीक कर दूँगी मैं। ये इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। अब हम दो ग्रीन बनाएंगे, एक दो, दो पिंक, एक दो, दो ग्रीन, एक दो पिंक, एक दो, दो ग्रीन, दो पिंक, इस तरीके से दो दो के फंदों से ये पूरी रो कंप्लीट हो गई, दो पिंक और दो ग्रीन। अभी लास्ट के दो रह गए, इनको दो का एक कर देते हैं पिंक कलर से और पिंक कलर का ही फंदा उठेगा, पिंक कलर से ही फंदा उठाना है यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके से बनता जाएगा ये। अब पिंक कलर के तीन हो जाएंगे, एक दो तीन,
एक ग्रीन, एक पिंक और फिर तीन फंदे ग्रीन के। इस तरीके से देखिए अगली रो, इस ये रो बनाने के बाद जो हम सीधी रो पे आएंगे तो उसमें फिर चार चार का चार चार के ये बन जाएंगे फंदे, चार ग्रीन चार पिंक, चार ग्रीन चार पिंक। इसी तरह ये आगे बढ़ता जाएगा, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। ये देखिए इसका ये बॉटम का पूरा पूरा पोर्शन बन गया है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ तक। अब यहाँ से मैं हील का पोर्शन बनाऊंगी। तो जब यहाँ तक ये दोनों तरफ से फंदे उठ जाते हैं पूरे, अब हम ये क्या करेंगे, इसमें से फंदे उतार लेंगे और एक सिलाई में ले लेंगे। इसको मैं उतार लेती हूँ, फंदों को इस सिलाई में ले लेती हूँ ऐसे। और इन्हें मैं बुन लेती हूँ। चौदह फंदे हैं यहाँ के इस बीच, और जो ऊन है उसको मैं टाई कर देती हूँ अभी। अब मैं इनको बुन लेती हूँ। और ये सात फंदे सीधी सिलाई से तो सीधे ही बुने जाएंगे, लेफ्ट सिलाई में जब हम उल्टी सिलाई पर आते हैं तो ये फंदे सीधे हो जाएंगे, सीधे बुने जाएंगे। सात फंदे मैं उल्टी सिलाई पर सीधे ही बुनूंगी इस तरीके से। ये देखिए ऐसे, ये सात फंदे मैंने सीधे बुन लिए, अब बाकी फंदे उल्टे। अब मैं इधर से भी पिन में से उतार देती फंदे और इन्हें सिलाई में ले लूंगी। पिन को मैं निकालती हूँ, थोड़ा फंस गया इसमें। ये देखिए ये फंदे मैंने उठा लिए यहाँ से, अब इनको मैं बुन लेती हूँ। दोनों को बांध देती हूँ पहले,
टाइट कर देते थे। कट कर देते हैं। अब ये सात फंदे रॉन्ग साइड से सीधे बुने जाएंगे इस साइड के। अब ये देखिए, अब ये सारे हमने एक ही सिलाई ले लिए फंदे। अब हमें हील का इसका पोर्शन बनाना है, तो ये 24 फंदे मैं यहाँ रखूँगी और 24 फंदे यहाँ रखूँगी। ये देखिए, पहले मैं 24 फंदे यहाँ से बुन लेती हूँ, 24 फंदे यहाँ रखूँगी। बीच में जो 8 फंदे हैं वो हमारे हील के लिए बनेंगे, तो मैं इन फंदों को बुन लेती हूँ 24 फंदों को पहले। तेईस फंदे तो मैंने बुन लिए। अब जो 24वां फंदा है, ये यहाँ मैंने 8 फंदे बीच में रखने हैं और यहाँ मार्कर लगा दूंगी। ये देखिए, 24वां फंदा तो इधर आएगा। अभी मैं 24वें फंदे को नहीं बुन रही, पहले मैं बीच के 8 फंदे मार्कर लगा लूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ मैं इससे पिन से मार्कर लगा लेती हूँ ताकि मुझे पहचान हो जाएगी घटाने की। ये देखिए, 4, 6, 8 है। अब ये 24वां फंदा जो इस साइड का 24वां फंदा था, उसको मैं इन 8 फंदों के पहले फंदे से मिलाते हुए 2 का 1 कर देती हूँ। तो एक फंदा ये ऐसे घट गया। अब हमें इन फंदों को यहाँ छोड़ देना है, ये 24 फंदे हैं, यहाँ छोड़ देना और सिलाइयों को टर्न करके इसी वाले हिस्से को ही बुनना है। अब इन 7 फंदों को हम रॉन्ग साइड से सीधा बुन लेते हैं। तो 3, 4, 5, 6, 7 अब हम राइट साइड पे हैं। राइट साइड पूरी सीधी बनेगी। अब ये देखिए, 24वां फंदा है और जो इस 8 फंदों के 8 में से 1 घटा दिए तो 7 रह गए। 7 के पहले फंदे से मिलाते हुए 2 का 1 करना है। तो अब ये देखिए, दो फंदे घट गए। अब मैं यहाँ से उल्टी सिलाई बुन के और इस सीधी यहाँ तक ला के फिर आपको फिर बताती हूँ तीसरा फंदा कैसे घटेगा। इसी तरह ये 8 फंदे पूरे घटने हैं।
ये 24वें फंदे को इस लाइन के पहले फंदे से 2 का 1 कर देते हैं, तो अब ये तीसरा फंदा घट गया। ये इस तरीके से ये घटते जाएंगे और आपको ये पूरे जहाँ तक मार्कर लगा रखा है ये फंदे पूरे घटेंगे इसी तरीके से। फिर मैं ये पूरे फंदे घटा के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हिल का पोर्शन कंप्लीट हो गया, यहाँ तक मैंने फंदे घटा लिए। अब इसके बाद इन दोनों में 24-24 फंदे हैं, इन दोनों को मैं इस तरीके से कर लेती हूँ। ये रॉन्ग साइड आ गई। अब इन दोनों ये फंदे बंद करने हैं, तो मैं एक और अलग सिलाई लेके इन फंदों को मैं बंद करती हूँ। ऐसे ये देखिए अब ये फंदे बंद हो जाएंगे, हील कंप्लीट हो जाएगी और ये सॉक्स भी कंप्लीट हो जाएगा। पहले मैं एक इधर का और एक उस सिलाई का फंदा लेके मैं पहले दोनों फंदों को घटा देती हूँ। ऐसे इस तरीके से ये देखिए। फिर उसके बाद एक इधर का फंदा लिया और एक इस सिलाई का फंदा और तीसरा ये है। अब तीन फंदों को मैं एक साथ घटाती हूँ, 3 का 1 कर दूँगी। फिर इसी तरीके से एक इधर का तीन फंदे एक साथ घटाने हैं। अब ऐसे इस तरीके से तीन फंदे एक साथ घटाने हैं। ये पूरी रो इसी तरह बुनी जाएगी, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से ये देखिए इस तरीके से ये घटते जाते हैं। तो ये मैं पूरा कंप्लीट करके मैं आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखिए ये हिल का पोर्शन कंप्लीट हो गया। ये अब मैं इसको दिखाती हूँ आपको। ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया। ये देखिए इस तरीके से